हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फेसबुक को इनेबल करेंगे और कैसे हैश की जनरेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फायरबेस को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कैसे गूगल को इनेबल करते हैं, तो गूगल को इनेबल करने के लिए जस्ट यहाँ पे सिंपली गूगल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इनेबल कर लेना है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम देख सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक को यहाँ से जस्ट इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा ऐप की आईडी और ऐप सीक्रेट कोड, आपको दो कोड यहाँ पे इंटर करेंगे तभी जा करके यहाँ पे जो फेसबुक है यहाँ पे इनेबल होगा। तो आपको यहाँ पे फेसबुक को इनेबल करने के लिए ऐप की आईडी और सीक्रेट कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो आप यहाँ से देख लीजिए कि आप उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस मैंने कर दिया है। इंडिकेटर रीड, फॉन्ट का कलर मैंने चेंज करना आपको बता दिया व्हाट्सएप में, और इसके बाद से जो मार्क अंडरलाइन है ये सब भी मैंने आपको करके बता दिया। इतना प्रोसेस मैंने कर दिया है। और यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल को इनेबल करना मैंने आपको बता दिया, फेसबुक को इनेबल करना बस बचा हुआ है। तो फेसबुक को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है फेसबुक का। और फेसबुक का लिंक को यहाँ पे जस्ट कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस लिंक को भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे फेसबुक का डेवलपर अकाउंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद पहले आपको क्या करना है कि आपको फेसबुक को लॉगिन कर लेना है अपने मेल आईडी से। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ओरिजिनल मेल से लॉगिन ना करें, कोई आप दूसरा मेल क्रिएट कर लीजिए अपने फेसबुक के ऐड के लिए या फिर फेसबुक को लॉगिन करने के लिए डेवलपर अकाउंट पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। फेसबुक को लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आइकन आ जाता है और यहाँ पे क्रिएट ऐप पे जस्ट क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा है मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशन, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन ऐप, तो यहाँ पे आपको पहले एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम हम दे देते हैं क्वैट्स, क्योंकि हम क्वैट्स ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वैट्स दे देते हैं, क्वैट्स 1 2 3। ऐप पर्पज यहाँ पे योर बिजनेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आई एम नॉट रिबूट, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, करने के बाद जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे फेसबुक का डेवलपर कंसोल यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसिंग के लिए सारे स्टेप्स यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, सारे फीचर्स, इन सबको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये सब हमें इसकी अभी ज़्यादा कोई नीड नहीं है, अभी हमें बस रिक्वायरमेंट है एनालिटिक्स पार्ट में। तो आपको आ जाना है एनालिटिक्स सबसे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट वाला इस यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक कर देंगे पहले आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम एंड्रॉयड का ऐप क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड एसडीके हमें डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि हमारे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। और उसके बाद से यहाँ पे पैकेज का नेम पूछेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पैकेज का नेम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे पैकेज के नेम को मैंने यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ था अपने नोट पैड पे। तो यहाँ पे पैकेज का नेम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे और पैकेज के नेम को यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे इसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट मेन एक्टिविटी के साथ इसको पेस्ट करना है। तो पैकेज का नेम इसे जैसे पेस्ट करेंगे डॉट लिख देंगे और यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिख देना है डिफॉल्ट एक्टिविटी क्लास नेम की जगह पे। और यहाँ पे जो पैकेज का नेम है तो पैकेज का नेम यहाँ पे हम इंटर कर देंगे कॉम डॉट बुक डॉट जो वहाँ पे पैकेज का नेम है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से यूज पैकेज नेम या चेंज पैकेज नेम, तो मुझे चेंज नहीं करना है पैकेज का नेम, जस्ट यहाँ पे हम यहाँ से रीड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कर देना है यूज दिस पैकेज नेम, मुझे यही पैकेज का नेम को करना है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूछेगा की हैश, यहाँ पे की हैशेस आपको यहाँ से जनरेट करना है। तो की हैश आप कैसे जनरेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो की हैश जनरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th स्टेप्स में। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और यहाँ पे छोटा सा है ये सॉफ्टवेयर, और डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है अपनी सी ड्राइव में।
SSL ओपन SSL फोल्डर के अंदर इसको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे CMD के अंदर एक कमांड लिखना है, और उसके बाद SSL की यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस लिंक को, और लिंक को कॉपी करने के बाद इसको हम अपने क्रोम ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे। तो की है कैसे जनरेट करते हैं, उसका जो लिंक मैंने कॉपी किया था वो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको वहाँ से भी आप क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं की हैश जनरेट। आप अलग से किसी और ऐप में अगर की हैश जनरेट करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके आप वहाँ से क्लिक करके जनरेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है थर्ड पे क्लिक कर देंगे 64 बिट के लिए, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा जिसका जो साइज है 1.25 MB है, और यहाँ पे जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे ओपन SSL 0.9AT@64.zip, तो 64 बिट के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। 32 बिट का है तो आपको उसके जस्ट नीचे वाला था उसको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कर देंगे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे, तो जिप फाइल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको हमें सी ड्राइव के अंदर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है ओपन SSL फोल्डर के अंदर। तो इस पर हमें एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पाथ है इस पाथ को यहाँ पे हमें रिमूव करना है, तो सी ड्राइव यहाँ पे रहेगा, इसके बाकी सारा जो पार्ट है इसे रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे C:\ ओपन SSL, और उसके बाद एक स्लैश यहाँ पर लगा देंगे। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं मैंने ऊपर भी यहां पे लिख दिया है C:\ और ओपन SSL। उसके बाद से आपको यहां पे जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है, तो उसी के अंदर जो है यहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा सी ड्राइव के अंदर ओपन SSL के अंदर वहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार डिस PC में या फिर माई कंप्यूटर में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन SSL का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है बिन, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जो इसका पाथ है जस्ट इसके पाथ को आपको कॉपी कर लेना है, और आपको उस कमांड के अंदर उसको पेस्ट करना होगा। तो कमांड कहाँ पे है आप यहाँ से देख लीजिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती है की हैश जनरेट करने में तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जितना भी आपको प्रॉब्लम अगर रहेगा तो जितना सॉल्व हो सकेगा हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस कमांड को जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं किसका जो कमांड है, कमांड आपको गूगल पे भी प्रोवाइड हो जाता है, या फिर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको वहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से कॉपी करके इसको आप ऐड करेंगे, उसके बाद आपको अपने विंडो के अकॉर्डिंग आपको जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। तो कैसे चेंजिंग करना है वो आप देखिए। तो उसके बाद से आप जैसे मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसके पाथ को, ओपन SSL के पाथ जब मैंने कॉपी किया था उसके पाथ को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको देखिए कैसे पेस्ट करना है, यहाँ पे लिखा है C:\, और यहाँ पे C:\ के अंदर ओपन SSL के अंदर बिन और ओपन SSL, तो यहीं पर आपको चेंज करना है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बिन तक का पाथ। तो जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे जो है इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अगर कुछ चेंजिंग रहेगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बिन एक बिन यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इतना तक का जो यहाँ पे कमांड है इस कमांड को आपको सेम रखना है, आपको चेंजिंग नहीं करना है। फिर एक चेंजिंग और करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर्स के अंदर जाना है .android debug.keystore, तो उसको उसका पाथ है यहाँ से हम सेट करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जाना है, सी ड्राइव यानी कि आपको दिस PC या माई कंप्यूटर के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको यूजर्स में आएंगे, और यहाँ पर आप कंप्यूटर का नेम, और यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर जाना है, .android के अंदर जाना है। तो .android को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है debug.keystore, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक का पाथ हमें चाहिए, जस्ट ऊपर का जो पाथ है यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे।
और कॉपी करने के बाद इसको हमें यहाँ से पेस्ट कर देना है, जिससे कि आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाता है। तो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स एंड जो कंप्यूटर का आपने नेम रखा है वो, और उसके बाद से यहाँ पे जो है की स्टोर यहाँ पे सेट हो गया। तो ये हमारा कमांड है, कमांड यहाँ पे रेडी हो गया यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो कमांड कंप्लीट हो गया, उसके बाद से आपको यहाँ पे सीएमडी को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको जावा का पाथ आपको लेना है, तो आपको जाना है यहाँ पे जावा का पाथ, यहाँ पे आ गया जेडीके 15 मैंने डाउनलोड किया है। और करने के बाद इसका जो पाथ है यहाँ से आपको इसका पाथ, आपको पाथ को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसके पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेना है जेडीके तक का पाथ। और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी। यहाँ पे सीएमडी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे टाइप करना है सीडी, इसमें इसको स्मॉल लेटर और स्पेस देंगे और राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद से जो पाथ होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे इंटर कर देंगे। और जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अपने कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है इस कमांड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पे करेगा इंटर की स्टोर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है एंड्रॉयड। तो जैसे आप यहाँ पे एंड्रॉयड पास करेंगे वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसका की हैश जनरेट हो चुका है। यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आप की हैश जनरेट कर लेंगे। तो ये रहा मेरा की हैश, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल इतने सारे डिजिट का है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे की हैश जनरेट हो गया। इसके बाद से जनरेट हो जाने के बाद इस की हैश को कॉपी कर लेंगे और की हैश को कॉपी करने के बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं नोटपैड में। और उसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर में आते हैं और आपको वहाँ पे उसे प्रोवाइड कर देना है जहाँ पे इसे रिक्वायरमेंट थी। तो इसे फेसबुक में इसे रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे की हैश, ठीक है। तो की हैश जस्ट इस पर पेस्ट कर देंगे इक्वल टू के साथ, जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका। और उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया, एप्लीकेशन की आईडी जस्ट यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। अब आपको एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, वो है सेक्रेट कोड की। तो हमें ऐप की आईडी यहाँ पे प्रोवाइड हो गई, ऐप की आईडी आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है फायरबेस में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लास्ट में इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है और उसके बाद से ऐप सेक्रेट कोड। तो अब यहाँ से देखिए कि ऐप सेक्रेट कोड आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स में, बेसिक्स को ओपन करना है और जैसे यहाँ से ओपन करेंगे वैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा है ऐप सेक्रेट, जस्ट शो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो ऐप का सेक्रेट कोड है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऐप सेक्रेट कोड इसे पेस्ट कर देना है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस, एप्लीकेशन की आईडी और ऐप का सेक्रेट कोड, दोनों कोड यहाँ से जनरेट हो चुका है और दोनों आपकी बस आपको रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे फेसबुक को इनेबल करने के लिए। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और फेसबुक इनेबल हो चुका है, जैसा कि आप वहाँ से मैसेज आ गया तो देख सकते हैं दोनों जो है ग्रीन हो चुका है, फेस गूगल और फेसबुक दोनों वहाँ पे इनेबल हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। तो बस इसमें इतना ही प्रोसेस करना था, आपको इनेबल करना था दोनों को, बहुत ईजी तरीके से अब इनेबल हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, नीचे और सारा भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर रीड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। लास्ट में सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पूछ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल, आप यहाँ से यूआरएल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूआरएल भी पास कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इतना ही क्या रिक्वायरमेंट थी, गूगल को और फेसबुक को इनेबल करना था हमें, ठीक है। और इसके बाद इतना हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी आप यहां से अगर कोई वेबसाइट आपके पास और अगर कोई वेबसाइट नहीं भी है तो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं और वहां से आप इसे प्रोवाइड कर लेंगे। इसके बाद से आपको यहां पे आ जाना है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एनालिटिक्स, तो आपको यहां पे एनालिटिक्स में जाना है और एनालिटिक्स में भी आपको दिखा देते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यहाँ से कोई प्रोवाइड किया जाता है तो कैसे आपको वहाँ पर देखना है, तो आपको वहाँ पर देख लेना है।
तो हम एक बार यहाँ पे फायरबेस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं फेसबुक पे। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक पे जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर, तो आप कंप्लीट सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन रिडायरेक्शन यूआरएल टू फेसबुक एंड ऐप कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे रीड मोर करना चाहते हैं, कुछ और यहाँ पे रीड करना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप वहाँ पे लर्न मोर पे जस्ट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में, की कैपेबिलिटी, यहाँ पे ड्रॉप ऑथेंटिकेशन, तो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमारा इतना ही काम था, दोनों को इनेबल करना था, गूगल को और यहाँ पे फेसबुक को, तो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। और उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, इसमें यहाँ पे एडमूव का ऐड लगाना। तो एडमूव का ऐड लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आरईएस के अंदर वैल्यूज में आएंगे, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में आते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप ऐड की आईडी, बैनर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐड क्रिएट करना होगा, बैनर की आईडी और यहाँ पे इंटरशियल ऐड आईडी, तो दोनों को हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है एडमोब, तो एडमोब यहाँ पे टाइप कर देंगे, इंटर करते हैं और यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है एडमोब का, यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना होगा, अगर आपने यहाँ पे साइन इन नहीं किया है, साइन अप नहीं किया, पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, फिर लॉगिन कर लेना होगा और इसको वेरीफाई हो जाने देना होगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ पे उनका ऐड शो नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आपको वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, तो यहाँ पे ऐड शो होने लगता है। तो यहाँ पे आपको ऐप का नेम दे देना है, तो एप्लीकेशन का नेम हम दे देते हैं क्वैट्स 123, ऐड ऐप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ऐड यूनिट पे जस्ट क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे बैनर ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड यूनिट नेम, तो ऐड वन इसका नेम दे देते हैं, क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो ऐड है यहाँ पे जनरेट हो चुका। इसके बाद से जो यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी है, जैसे जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखते हैं ऐड ऐप आईडी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एप्लीकेशन की आईडी को। उसके बाद से एडमोब का बैनर ऐड आईडी, यहाँ पे बैनर ऐड आईडी को भी पेस्ट करना है, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे लास्ट एक और इंटरशियल फुल स्क्रीन यानी इंटरशियल ऐड आईडी यहाँ पे ऐड करना है। तो एक एप्लीकेशन के अंदर जितने चाहे उतने आप ऐड क्रिएट कर लेंगे, सबका जो एप्लीकेशन की आईडी होती है सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे इंटरशियल ऐड आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेम देते हैं ऐड टू, क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड आईडी क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी दोनों सेम रहता है, बस यहाँ पे ऐड की आईडी को जस्ट कॉपी कर लेंगे, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो ऐड है यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे एडमोब का ऐड यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स करके बता दिया, सब कुछ कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा, सारी जो चेंजिंग हुई रहेगी सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बिल्ड पे क्लिक कर देना है, बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इसको रन करके अपने मोबाइल फ़ोन में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से शो हो रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मेरा बिल एपीके यहाँ से जनरेट हो गया, जस्ट यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से जो एप्लीकेशन का यहाँ पे ऐप एपीके का नेम है, तो उस एपीके का नेम यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं क्वैट्स, या फिर कोई भी नेम आप यहाँ से रख सकते हैं। तो जस्ट एपीके का नेम है, ऐप का नेम नहीं है, एपीके का नेम चेंज हो गया। इसको कॉपी कर लेंगे और अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रन कर यहाँ पे ले लेते हैं और उसको हम रन करा के चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। आप उसका देख सकते हैं, उसका आइकन भी चेंज हो चुका है, ऐप का नेम भी चेंज हो चुका है, सब कुछ मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। इंस्टॉल एनी वे पे क्लिक कर देंगे तो आप इसे प्ले स्टोर पब्लिश कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बस आपका जो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे
और जैसे आप देख सकते हैं इसका जो स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाता है जैसा कि मैंने आपको ऐड करना बताया था कैसे ऐड करते हैं। और उसके वैसे जितने क्वेट्स हैं सारे क्वेट्स की कैटेगरी, तो सारी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई, क्वेट्स, बर्थडे, मोटिवेशनल, एटीट्यूड, बेस्ट ब्रदर्स, जितने भी है वो सारी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ से ओपन हो जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे सारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग सारा वर्क करता है, तो डेटाबेस कैसे ऐड करना है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है सारे स्टेप्स। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग का है, तो स्क्रॉलिंग पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं फास्ट स्क्रॉलिंग होगा, और स्लो करना चाहते हैं तो स्लो स्क्रॉलिंग होगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ है, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज जितना करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। उसके फिर यहाँ पे ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस आप जितना चाहें, यहाँ पे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है, इसको ब्राइटनेस और करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर है, तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप जो भी कलर देना चाहते हैं ऐसे कलर दे सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 6 कलर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे कलर आप यहाँ से प्रोवाइड कर लेंगे। कैसे करना है मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉलिंग भी हो रहा है, इसको आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया यू, तो यू से जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा वो सब यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने सर्च किया बर्थडे, तो बर्थडे जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहेगा सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्चिंग में बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो ये बहुत ही एडवांस ऐप है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो टाइप्स हैं, टाइप नंबर सिक्स में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, बस वहाँ पे जो डेमो में बाय डिफ़ॉल्ट था वही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ ऐड कीजिए, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे यहाँ पे डेटाबेस को ऐड करना है, कैसे सारे वर्क करना है, वो सब कुछ मैंने आपको करके बता दिया है। फिर यहाँ पे किसी एक यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं कोई भी कलर। तो मार्क कलर यहाँ पे आप प्रोवाइड किया हुआ है, तो कोई भी कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ पे उसी पर क्लिक करके कोई और कलर देना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई और कलर दे सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसमें, उसको नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करते हैं। और कोई और कलर यहाँ पे चेंज करना है तो कोई और भी कलर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाता है। या फिर जो आपने टेक्स्ट को आपने लिखा है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का भी ऑप्शन आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पे नोट्स हैं, तो नोट्स में जैसे ही मैंने यहाँ पे अंडरलाइन, तो अंडरलाइन पे भी कर सकते हैं, अंडरलाइन वाले पार्ट में अंडरलाइन में भी कलर्स हैं, तो अंडरलाइन में भी अगर कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है, आपको अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर से रीसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिर से रीसेट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके बाद से जो नोट्स आपने क्रिएट किया हुआ है, तो नोट से जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं तो उसका नेम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया बर्थडे वन या बर्थडे क्वेट्स, कोई भी नेम आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं जिस भी नेम से आप नोट्स को यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इस ऐप को क्रिएट कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें हम कैसे साइंड ऐप जनरेट करेंगे और कैसे इस ऐप को हम प्ले स्टोर पब्लिश करेंगे और उसके बाद से कैसे इसको अपडेट करेंगे, वो सब कुछ हम आपको स्टेप बाई स्टेप सारी वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो यूजफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।